टुडे वी विल स्टार्ट द हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। हम लोग जानेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, जो भारत में हम लोगों के क्या हुए 1857 से 1947 की जो स्टोरी हुई। ठीक है सर, 1857 टू 1947 यहाँ पे सबसे पहले सर्वप्रथम ये शुरू हुआ और 1947 पे जा करके हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला। यहाँ पे जो हम लोगों का कुछ स्टोरी होगा जो 1920 से लेकर के 1947 तक दिखेगा। ठीक है, जो यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, फर्स्ट हम लोग जानेंगे क्या कि जहाँ से हम लोगों का गांधी जी का टाइम पीरियड, ठीक है, गांधी जी का टाइम पीरियड जो हम लोगों का देखोगे 1920 से 1947, बट हम लोगों का ये 1917 से ही क्या होगा 1947 का स्टोरी यहाँ पे अभी दिखेगा और जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो 3 इयर्स का स्टोरी होगा, ठीक है, ये जो 3 इयर्स का स्टोरी होगा हम लोगों का, ये गांधी जी का टाइम पीरियड होगा। ठीक है, गांधी जी विजिटिंग, ठीक है, गांधी जी जो विजिट कर रहे हैं, गांधी जी जो विजिट कर रहे थे, ठीक है, विजिट कर रहे थे किसको, इंडिया को। ठीक है, अब ये जो विजिट कर रहे थे इस टाइम पीरियड पे हम लोगों के जैसे सत्याग्रह, यस सर, गांधी जी पहला था, गांधी जी पोरबंदर में, ठीक है, हाँ साउथ, हाँ 1917 में वापस आए, हाँ, और इसके बाद 1917 पे आकर के उन्होंने जो 3 साल अपना बिताया जिसमें हम लोग ये देखे कि अहमदाबाद के वर्कर्स को देखे, उसके साथ साथ हम लोगों के बिहार के चंपारण को देखे, उसके बाद फिर हम लोगों के डिफरेंट वर्कर्स से वो मिले और इसकी कंडीशन को जान रहे थे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर पूरा घूमता नजर आएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो वर्ड हम लोगों ने लिखा है नेशनलिज्म, इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या कि नेशनलिज्म मींस होता है फीलिंग लव एंड प्राइड फॉर देयर ओन नेशन। हर लोगों के बीच में क्या हो गया था उस टाइम पे कि अपने कंट्री के लिए नेशनलिज्म वाला फीलिंग आने लग गया था। मतलब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि 1857 से जो हम लोगों का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ और ये पूरी तरह से हम लोगों का क्या हो गया कि रिवॉल्ट में ही बीतता चला आया और लोग क्या हो रहे थे डे बाय डे जो उनका टाइम आ रहा था तो वहां पे उनको क्या किया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था, उनको ब्रिटिश अपने चरणों में झुका रहे थे, उनको क्या किया जा रहा था, हमेशा से उनकी जो डिजायर और डिमांड थी उस चीज से वंचित रखा जा रहा था। इस तरह से जो हम लोग देखते हैं कि ये जो टाइम हम लोगों का स्टार्ट हुआ और ये हम लोगों का टाइम 1857 जहाँ पे आप जो इमीडिएट कॉज के बारे में अगर जानेंगे तभी आपने क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ा होगा। इमीडिएट कॉज जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इमीडिएट कॉज हम लोगों का क्या था, ठीक है, हम लोग क्या करने लग गए, वार के लिए इकट्ठा हो गए और हम लोग वहां से क्या हो गए ब्रिटिश के सामने लड़ने के लिए आए। तो उसका रीजन क्या बना, इमीडिएट कॉज क्या बना, जैसे हम लोग हिस्ट्री को पहले भी बताए हैं कि हम लोग हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, प्रेम से पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री को किसे पढ़ते हैं, प्रेम से। ठीक है, तो P फॉर पॉलिटिकल, R फॉर रिलीजियस, E फॉर इकोनॉमी एंड M फॉर मिलिट्री। ठीक है, तो यहाँ जो पॉलिटिकल सिचुएशन उस समय पे क्या रहा, रिलीजियस के साथ साथ सोशल एंड रिलीजियस, जो PREM है जो हम लोग प्रेम से पढ़ रहे हैं, तो रिलीजियस एंड सोशल मतलब जो हम लोगों का रिलीजियस इशू चल रहा था उस समय समाज कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की कैसी थी और वहां पे कैसे मिलिट्री उस समय पे इस्तेमाल किए जा रहे थे जाते थे और मिलिट्री पावर क्या था लोगों के बीच, हम लोग जानेंगे कि इमीडिएट कॉज क्या था। आप लोगों को अभी हम जब बताएंगे तो आप लोगों को भी याद आने लग जाएगा कि हाँ हाँ ऐसा कुछ था। ठीक है, जो सबसे पहला इमीडिएट कॉज था कि उन दिनों क्या किया जा रहा था कि ब्रिटिश के द्वारा जो है एक रॉयल इनफील्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको जो मस्केट्स होते थे, ठीक है, उसमें क्या किया जाता था, जो बुलेट यूज किया गया था उसमें कॉ और पिक्स की फैटिंग लगी होती थी। ठीक है, जैसे हम लोग कोई चॉकलेट होता है ना, ठीक है, उस पर रैपर लगा होता है, उसी तरह से वो क्या होता था, लगा होता था जिसको हम लोगों को सबसे पहले टीथ से टियर करना पड़ता था, फाड़ना पड़ता था, ठीक है, चीर करके उसे फिर जो है निकालना पड़ता था, अब उसको लोड करके फिर हम लोग क्या करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। तो उन दिनों क्या है कि उसमें कॉ और पिक्स का फैटिंग इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब वहां पे दोनों दोनों रिलीजन के लिए, ठीक है, एंटी पैरेलल था। ठीक है,
अब वहाँ पे क्या है कि हिंदू के लिए वहाँ पे जो देखा जा रहा था क्या था, है ना, और जो मुस्लिम के लिए थे वो फिक्स थे, ठीक है। अब वहाँ पे दोनों के बीच क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। लोगों ने क्या किया, ठीक है, ब्रिटिश में मतलब हर एक चीज को क्या होता है कि किसी भी चीज को हम सप्रेस करेंगे और वहां तक हम लोग उस चीज को क्या करेंगे, फॉलो अप कर पाएंगे। मे भी एक समय होता क्या है कि किसी भी चीज को ज्यादा, कहावत सुने होंगे, ठीक है, कि अगर किसी रस्सा को ज्यादा खींचा जाता है तो वो टूट जाता है, ठीक है, बिना के तार को लगातार खींचने से टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना, रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाए, जुड़े पे तो जुड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए, ठीक है, मतलब क्या होगा कि एक नोट बन जाएगा। अब वहां पे वैसा ही कंडीशन हम लोगों का स्टार्ट हो गया था कि ये बिल्कुल क्या है, अनडाइजेस्टेड है, ठीक है, अनडाइजेस्टेबल है, ये तो पचने वाला नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया टाइम, ठीक है। अब यहाँ से जो हम लोग चले तो नेशनलिज्म का फीलिंग, अब नेशनलिज्म का फीलिंग जो हम लोग देखे तो कुछ हमारे जो लीडर्स थे उस समय पे वो हम लोगों के क्या थे, जैसे हम लोग देखते हैं ना, पढ़ते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल, उसी तरह से जो हम लोगों के क्या थे कि एक हम लोगों के क्या होते थे, एक हम लोगों के होते थे लठियाल, ठीक है, अखाड़ा, ठीक है, वो सबको फॉलो करने वाले, ठीक है, मतलब एक होते थे कोल्ड और एक होते थे हम लोगों के वार्म वाले। अब वहां पे कोल्ड में जो देखा जा रहा था कि जो हम लोगों के क्या है कि एजुकेशन के माध्यम से क्या करना चाहते थे, बदलना चाहते थे। अगर एजुकेशन के माध्यम से वो बदल देते अब तक, तो 1970 तक ही महात्मा गांधी जब आए उसके बाद फिर क्या हो गया कि हर लोग एग्रेसिवली जो है इस चीज का डिमांड करने लगे, एग्रेसिव होकर, गुस्से में, ठीक है, कि नहीं मुझे चाहिए, आई वांट दिस, ठीक है। अब वहां तक इसके पहले ही वो लोग कर चुके होते, जैसे कुछ हम लोगों के हैं, ठीक है, जैसे हैं हमारे दादाजी, ठीक है, दादाजी है ना, दादाजी सुने होंगे, दादाजी, ठीक है, शाहरुख खान के मुझे सुने होंगे, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये लोग एजुकेशन से बदलना चाहते थे। फिर आए, ठीक है, है ना, उसके साथ साथ क्या है कि ये इन लोगों को बताया गया कि ये लोग अर्ली नेशनलिस्ट थे, प्राचीन काल में ये लोग अपना पूरी तरह से क्या करते रहे, ब्रिटिश को ऐसा समझते थे क्या कि एक समय हम्बल रिक्वेस्ट करने से एजुकेशन के माध्यम से वो हम लोगों को देखेगा एक समय, कह रहे ये भी सुपरमैन लग रहा है, ये भी एजुकेटेड है, तो ये लोग इस तरह से क्या होगा, हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगी, लिबर्टी मिल जाएगी। नहीं मिला, दादा भाई नारोजी ने किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया, ये लोग सब एक सीरीज के हैं, ठीक है। फिर आ गए हमारे ट्रायो, ठीक है, लाल, बाल और पाल, कौन बताएगा इसका फुल फॉर्म, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, पाल जो है ना, बिपिन चंद पाल, ठीक है, पाल कौन है, बिपिन चंद पाल, ठीक है, और ये पाल कौन है, इन लोगों ने भी नहीं बदल पाए। अब यहाँ से स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखते हैं ना कोई मूवी होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो हम लोगों का स्टोरी यहाँ से चलेगा। ये अभी कास्टिंग चल रहा था, ठीक है, ये अभी जो है स्टार्टिंग का ट्रेलर था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप इसको मेंशन कीजिए, ये अर्ली नेशनलिस्ट है और ये असर्टिव नेशनलिस्ट है, ठीक है, और ये हम लोगों का स्टेटस, टेक योर नोटबुक एंड मेंशन दिस थिंग्स, ठीक है। इन्होंने विजिट किया गांधी जी ने 3 साल तक इंडिया को। In India, the growth of the modern nationalism is connected with the anti-colonial power. You have to write, that's why I'm telling. The sense of being opposed from the colonial power, देखोगे तो हम लोगों के पास क्या होता था, colonialism और imperialism, और जो हम लोगों की जो colonies होती थी, जैसे हम लोग ब्रिटिश के colonies बन गए, मतलब ब्रिटिश का सारा रिसोर्स, इंडिया का सारा रिसोर्स ब्रिटिश के हाथों डील होगा, ठीक है। अभी क्या कहता है कि हम लोगों का जितना भी रिसोर्स है सब कैप्चर हो चुका है, और ये सारा कैप्चर होने के बाद इसके सारे, इसके सबसे बड़े कंट्रोलर कौन है, ब्रिटेन है, इसके सबसे बड़े कंट्रोलर कौन है, ब्रिटिश मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, देखोगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह हम लोगों के बीच क्या हुआ, आइडिया ऑफ सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। कहता क्या है, गांधी जी हीरोइक फाइट इन इंडिया साउथ अफ्रीका एज वेल नॉट। हम लोग गांधी जी का क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अरे वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, हाँ उसको बुलाया जाए मेरे दरबार में,
ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, अरे वो बहुत अच्छा डांसर है उसको बुलाओ, ठीक है। उसी तरह गांधी जी को क्यों बुलाया गया था, क्योंकि उनकी हीरोइक फाइट को देखा गया था साउथ अफ्रीका में भी, ठीक है। हाँ वो फाइट करते थे, ठीक है, ऐसा कुछ दिन इतना नहीं बट फाइट करते थे। अब देखोगे वहां पर वो जो हीरोइक फाइट कर रहे थे, ठीक है, क्या कहता है अपार्थिड सिस्टम के लिए, याद करो अपने माइंड में लेकर जाओ, कहाँ लेके जाओगे, क्लास 9 लेकर जाओगे, ठीक है ना, नहीं पढ़े थे, गुड है ना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ठीक है, रेशियल सेग्रीगेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और वो कुछ है नेल्सन मंडेला, ठीक है, जिन्होंने अपना 34 इयर्स जेल में बिताया, इंग्लिश में भी पढ़े, काफी अच्छी बात है। अब क्या होता है देखोगे कि वहाँ पे इस तरह से वो फाइट करते 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 करते, और वो ये सारा चीज की आगे से हम लोग जेंडर, ठीक है, जेंडर हो या फिर रिलीजन को हम लोग देखते हैं, कास्ट को देखते हैं, ठीक है, जेंडर भी क्या होता है, जेंडर हो, अपार्थिड सिस्टम हो, स्किन कलर हो, ये सब हम लोगों का क्या है कि इसको हम लोग देख सकते हैं विद द नेकेड आई, ठीक है, दूर से ही हम लोग बता सकते हैं, अरे ठीक है ये काला है, वो गोरा है, वो गोरा है, वो काला है, ठीक है। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो गांधी जी भी वहां पे क्या कर रहे थे, इस चीज के लिए लड़े थे, ठीक है। अब वहां पे क्या कहता है, इन सारे चीज की वजह से ही गांधी जी को इंडिया बुलाया गया और इंडिया में ये आए, कहता है हिज नेवल मेथड एलिगेशंस एंड प्रोटेस्ट ऑन द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, सच्चाई की प्रतीक के लिए वो क्या करना शुरू किए, लड़ना शुरू किए, ठीक है, और लड़ाई इनका शुरू हुआ। और क्या कहता है कि गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण टू बिहार इंस्पायर ऑफ द विजन टू स्ट्रगल अपोज द इंडिगो सिस्टम, एट दैट टाइम 1916-17 क्या हो रहा था कि इंडिगो प्लांटेशन चल रहा था, नील की खेती होती थी, कहाँ होता था, बिहार के अपने चंपारण में, ठीक है, और वो जो बिहार के चंपारण में होता था, जिस वजह से क्या हो रहा था कि हम लोगों के जो फार्म लैंड थे, जो लैंड थी अपनी फर्टिलिटी रेट को खोती चली जा रही थी, ठीक है, और वो जो अपनी फर्टिलिटी रेट को खो रहा था, जिसकी वजह से क्या है के लोगों को फूड ग्रेन्स बिल्कुल नसीब नहीं हो रहा था, ठीक है। अब वहां पे क्या है, गांधी जी वहां गए और उस सिनेरियो को समझे, फिर क्या कहता है कि गांधी जी सपोर्टेड टू द प्रेजेंट ऑफ द गुजरात, ठीक है, फिर गुजरात के भी प्रेजेंट को, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है ग्रुप ऑफ फार्मर्स दैट इज टू बी प्रेजेंट, ठीक है, उनको भी उन्होंने क्या किया, हेल्प किया। 1980 गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट इन द कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उन लोगों का जो लिविंग कंडीशन था काफी हार्श था, काफी ज्यादा जो है क्या कहता है स्लम कंडीशंस में रहते थे और उनके वर्किंग आवर वगैरह कुछ भी डिस्कस नहीं थे, ठीक है, काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, जबकि हम लोग 9th क्लास में ही ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लोगों का कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी आया था चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म यूरोप एंड रिवॉल्यूशन में, ठीक है, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स एंड द लेनिन, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर डिस्कस किया था कि हमारा वर्किंग आवर्स कितना होगा, 48 आवर्स होगा वीक के लिए, एक वीक, वन वीक इज इक्वल टू 48 आवर्स, ठीक है, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वन वीक इज इक्वल टू 48 आवर्स और वहां पे क्या करेंगे 48/6 दैट इज इक्वल टू 8 आवर्स और वन कंप्लीट लीव, ठीक है, एक दिन की क्या होगी, कुल अवकाश होगी, छुट्टियां होगी, ठीक है, और लोग अपने आप को मेंटेन करेंगे, ठीक है, चाहे वो फिजिकली करे, मेंटेनली करे, सोशली करे, हर एक चीज से कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे वो अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि वैसा ही कंडीशन लगातार देखा जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे देखोगे एक कंडीशन निकल कर आया था 1919 पे, बिल्कुल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलो, जैसे हम लोगों का 17 में देखे, 18 में देखे, 19 में, 1919 में जो है हम लोगों का क्या हुआ, 1919, ठीक है, मुझे इस तरह ज्यादा अच्छा लगता है याद करना, ठीक है, और माइंड में रखना, इसलिए हम ऐसे ही बोलते हैं, रॉलेज एक्ट, ठीक है, रॉलेज एक्ट 1919 में, ये हम लोगों का रॉलेज एक्ट क्या निकल कर आया है, कहता क्या है, रॉलेज एक्ट इन 1919 वाज पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर, रॉलेज एक्ट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिलीज द पॉलिटिकल, इनॉर्मस पावर, कहता है बहुत ही ज्यादा पावर दे दिया, और वो पावर क्या दिया था, कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट पॉलिटिकल प्रिजनर कुड बी डिटेन्ड प्रिजन 2 इयर्स विदाउट एनी ट्रायल,
किसी को भी ठीक है किसी भी जगह से सार्वजनिक जगह से ठीक है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि अभी भी क्या होता है कि हम लोगों का कर्फ्यू लग जाता है ठीक है, और उस कर्फ्यू टाइम क्या होता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, रोड पे घूमते हुए देखेगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, ऐसा कोई एसोसिएशन आप बना ही नहीं सकते, संगठन सभा कर ही नहीं सकते हो ठीक है। मतलब अगर तुम चार लोग खड़े हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश ठीक है। ये क्या किया गया था, माइंड में घोल दिया गया था और आपको क्या किया जाएगा, डायरेक्ट अरेस्ट किया जाएगा विदाउट एनी गिविंग एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन। अगर आप चार लोग खड़े तो आपको, हाँ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश ठीक है। बहुत सारे ऐसे लॉ थे ये तो चलो ठीक है। और ऐसा भी होता था ठीक है कि अगर तुम क्या है हॉर्स से जा रहे हो, घोड़े से, और कोई ब्रिटिश अपने पार्क में घूमता नजर आया, तुम उसके घर के सामने से जा रहे थे, सडनली तुमको नीचे उतर जाना है और तब तक वहां तक जाना है जब तक कि उसकी आंखों से ओझल ना हो जाओ ठीक है। ये सारा रूल्स एंड लॉ था ब्रिटिश को, तुम ब्रिटिश के सामने तुम क्या करोगे ठीक है और चिट्ठी निकल जाओगे, एक्सीलेटर लगा करके निकल जाओगे तुम समझे, बस वैसा ही करना ना। अच्छी बात है, देखो क्या कहता है, 6 अप्रैल 1995 When the people of the country, observe fast and hardcore, ठीक है, गांधी जी का व्यू था ठीक है कि आप लोग ऐसा हो रहा है, ऐसी बातें हैं जो आपको दो ठीक है, और इन लोगों का टाइम होता तो बोलते कि देखो कुछ बात करते हैं ब्रिटिश से ठीक है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करेंगे, संभालेंगे ठीक है। अभी क्या है कि ये लोग मेन के साथ साथ विमेन को एजुकेट करना चाहते थे, जहाँ विमेन को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, बहुत अच्छी तरह से उनका पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन नहीं दिया गया था कि उनका पोजीशन क्या है, और ये क्या कर रहे हैं, मेन एजुकेटेड नहीं थे ये लोग, क्या चाहते थे, जो हमारे ये वाले सीरीज हैं ठीक है जो ट्रायो कहलाते हैं, लाल बाल पाल, ये लोगों का ये सोचता है कि हम लोग अगर सबको एजुकेट कर देंगे तो ब्रिटिश क्या कहेगा, कह रहे हम उठ जाते हैं चेयर से आप बैठो ठीक है, तो बट ऐसा कुछ हो नहीं सकता और ऐसा कभी होगा नहीं ठीक है, और ये लोग कभी क्या करेंगे, इक्वालिटी मिला ही नहीं सकते हैं। अब वहां पे देखो क्या कह रहा है कि गांधी जी आए तो गांधी जी बताया क्या होता था, भूख हड़ताल पे बैठ जाओ ठीक है, वो आएगा खाना लेके खा लो ठीक है, अरे क्यों गुस्सा हो खा लो ठीक है, तो वैसा कंडीशन लेकर के वो आए ठीक है। गांधी जी का ये सोचता कहता क्या है कि 6 अप्रैल 1990 गांधी जी ऑब्जर्व द सत्याग्रह डे, और कुछ दिन क्या बताया कि हम लोगों को भूख हड़ताल करना चाहिए इस चीज के लिए, कहता है ठीक है चला। उसके बाद क्या कहता है, ऑन 10th अप्रैल पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीजेंट प्रोसेशन, एक जो पुलिस की जो सभा आ रही थी ठीक है, प्रोसेशन जो जुलूस आ रहा था, कहता क्या है कि उस पे कुछ इंडियंस लोगों ने क्या किया, पथराव कर दिया, लाठी डंडा बरसा दिया ठीक है जी, हाँ मतलब इस चीज का बदला लेने के लिए रॉलेट एक्ट का ठीक है। तो जो ब्रिटिश प्रोसेशन थी ठीक है, जो पुलिस प्रोसेशन थी उनकी, जो उनका आर्मी था, उस पर क्या किया इन लोगों ने, लाठी डंडा बरसा दिया, उस पर हमला कर दिया ठीक है। कहते हैं ठीक है करो, अब देखो उसका बदला लेते हैं ठीक है। तो वहां बदला क्या दिया गया, 1990 के नेक्स्ट मंथ ठीक है, ये जो जलियांवाला बाग ठीक है, ये जो अप्रैल में चल रहा था ठीक है। अब क्या होगा कि उसका 6 को हुआ था ना वो, 7 दिन रुको तुम, 13 तारीख के दिन उसका बदला लिया गया ठीक है। अब क्या कहता है, जलियांवाला बाग ठीक है, ये जो है देखो तुम्हारा, ये है 6 अप्रैल है ना, ये है 6 अप्रैल, और उसके बाद देखो किस जगह पे 10th भी लिखा होगा बट 13 अप्रैल ठीक है, जलियांवाला बाग। ये क्या है कि यहाँ एक बैसाखी फेयर लगा हुआ था, अब बैसाखी फेयर ठीक है, वो फेस्टिवल होता है ना ठीक है। अब लोग क्या कर रहे थे ठीक है कि उस चीज का आनंद लेने आए हुए थे सब लोग अपने सपरिवार ठीक है, अब वहाँ पे मतलब विद फैमिली ठीक है, सपरिवार के नाम यानी कि ठीक है। ऑन 13 अप्रैल 1990 लास्ट क्राउड गैदर्ड इन द इंडोर ऑफ द जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग गेदर हो गए। अब वहां पे क्या है कि ऐसा सिनेरियो था ठीक है, ये एक ऐसा पार्क है बहुत बड़ा था कि जिसमें क्या था, 3 एग्जिट था
थ्री साइड क्लोज था और एक एग्जिट था, ठीक है, थ्री सॉरी थ्री इनक्लोज था और एक जो है क्या है एग्जिट था, इनक्लोज मतलब तीन तरफ से बंद था, एक तरफ से द्वार था, यहाँ से लोग आएंगे भी और जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था कि आवागमन हेतु पूर्वी द्वार खुले रहेंगे। हाँ तो तुम वैसा भाग सकते हो, जब वैसा हुआ तो फिर लोग भागे भी, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जनरल डायर जो आते हैं वो क्या करते हैं, ओपन फायर करने को कह देते हैं, कहते हैं इससे अच्छा कोई रिवेंज का टाइम नहीं होगा, बदले का क्या कीजिए, ओपन फायर कर दीजिए, अंधाधुंध लोगों पे गोलियां बरसा दीजिए, ठीक है। गोलियां चल रही थी, कहा जाता है जैसे बहुत सारी चली तो वैसे, ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है किसी किसी बहुत सारे अच्छी अच्छी किताबों में कि 10 rounds चला था, ठीक है, है ना, 10 rounds चला था, बट 10 round गोलियां चली थी, ठीक है। अब वहां पे क्या कहता है कि बहुत सारे लोग मारे गए, अब बहुत सारे लोग जब मारे गए तो वहां पे क्या हो गया, पूरी तरह तबाही वाला सीन बन गया। कहता क्या है कि जनरल डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग 100 एज द न्यूज स्प्रेड ओवर द क्राउड टू द स्ट्रीट। एक तरफ से क्या हुआ कि अब फिर न्यूज धीरे धीरे स्प्रेड होने लग गया, कह रहे जलियां वाला बाग में वैसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। इस तरह से एक ने दो को बताया, दो ने चार को बताया, चार ने आठ को बताकर, ठीक है, 8 का स्क्वायर निकाल के 64 पहुंचा दिया, है ना। तो धीरे 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 क्या किया कि ये न्यूज स्प्रेड हो गया। अब क्या हो गया कि ये देखो, एक तरह से अगर था तो वहां पे क्या कहता, टिट फॉर टैट जैसा था कि रॉलेट एक्ट का जो हम लोगों का जो एंडिंग हो रहा है, ठीक है, जो वहां पे क्या किए इन लोगों ने, जो रॉलेट एक्ट का बदला लिया था, ठीक है, तो यहाँ जलियांवाला बाग में वो मैनेज हो गया, ठीक है, जो डिसबैलेंस था वो मैनेज हो गया, बैलेंस हो चुका था, ठीक है। इस तरह से स्टोरी हमारी फिर आगे की ओर पड़ेगी। यस, अच्छा जब याद आए एक टॉपिक है हम लोगों का, रिबेलियन इन द कंट्री साइड, ठीक है, रिबेलियन क्या कहता है, रिबेलियन, रिबेलियन इन कंट्री साइड, ठीक है। रिबेलियन मीन्स क्या होता है, रिबेलियन मीन्स होता है विद्रोह करना, ठीक है, रिबेलियन विद्रोह किया जा रहा है कंट्री साइड, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, हर तरफ से क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर पैट्रियोटिक फील जो आ रहा है, किस वजह से, नेशनलिज्म की वजह से, फीलिंग लव एंड प्राइड फॉर देयर ओन नेशन, ठीक है। और महात्मा गांधी ने बताया था कि अपने देश से आप प्रेम कीजिए और दूसरे कंट्री को भी रिस्पेक्ट दीजिए, बट ये लोग कॉलोनीज बना लेता था, मतलब कॉलोनीज बनाने का मतलब है तुम्हारे बैग है, तुम्हारे बैग में कुछ कैश है, उसमें लंच बॉक्स है, ठीक है, और वो सब कंट्रोल कर रहा कोई तुम्हारा फ्रेंड, ठीक है, कंट्रोल करने का मतलब है वो क्या करता है, लंच तुम्हारे लेकर आती हो तुम, खाता कोई और है, हाँ ये तो है, ये होता ही है, ठीक है, खाने के लिए फ्रॉम सिटीज रिबेलियन इन द कंट्री साइड, फ्रॉम सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, क्या कहता है नॉन कॉपरेशन, यहाँ से ही रिबेलियन इन द कंट्री साइड जो स्टार्ट हुआ तो क्या निकल करके आया, जैसे मतलब ये क्या है कि ये हम लोगों का एक रिबेलियन इन द कंट्री साइड कोई सॉल्यूशन है, इसको हम लोग लेते हैं हिट करते हैं, तो इसको जब हम लोग हिट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेट मीन्स होता है सहयोग करना, असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मूवमेंट का मतलब समझते हैं घूमना फिरना, ठीक है, है ना, मतलब क्या होता है आंदोलन। अब देखोगे यहाँ पे क्या कहता है, द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड द रिजेक्शन ऑफ द रिवेन्यू। अब क्या है कि गांधी जी का सपोर्ट मिल गया तो क्या होता है, कोई कोई जैसे तुम क्या किए, काफी ज्यादा वीक थे, बट क्या हो गया, तुम देखे क्या आज तुम जा रहे थे अभी भैया के साथ, अभी क्या है तुम बहुत छोटे, लेकिन तुम भैया के साथ जा रहे हो, किसी को देखे दो चार लगा दिए, अभी हमको है ना,
तो वहां क्या हो गया कि गांधी जी का सपोर्ट मिल गया था। अब प्रेजेंट क्या करने लगे, कहता डिमांड रिडक्शन ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, जो लैंड है उसका जो रेवेन्यू लिया जाता है हम लोगों से, ऑलरेडी हमने रेवेन्यू लास्ट लेक्चर में क्लियर किया ना, सब्जेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, तो वहां पे देखो क्या कहता है कि रेवेन्यू दीजिए। ठीक है, उस चीज का मुझे क्या कीजिए, एज ए टैक्स समझो। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, एबोलिशन ऑफ द बेगार एंड द सोशल बायकॉट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, देखो ये एबोलिशन ऑफ द बेगार। ठीक है, मतलब क्या कहता है कि जो भी हम लोगों का लैंड है, ठीक है, उस चीज का जितना भी हम लोगों का पोर्शन होता है और जो हम आप लोगों को दिया करते थे, उस चीज का हम लोग एबोलिशन करते हैं, यहाँ से अंत करते हैं। ठीक है, और अब हम लोग इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे क्या होता था कि मैं भी, चलो ये मेरा स्क्वायर ऑफ लैंड है, ठीक है, इसका क्या हुआ कि मेरे पास ये प्लांटेशन हो या ना हो, ठीक है, क्रॉप्स फेल हो या क्रॉप्स आ जाए बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, अब जो हार्वेस्टिंग टाइम होता था, ये क्या करते थे कि वो सारे रीजन को बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे। इसका चार पोर्शन हुआ, तीन हिस्सा जाएगा ब्रिटिश के पास, 1, 2, 3, और एक जो आएगा वो आएगा इंडियंस के पास। ठीक है, अब वो भी जो है क्या होता है, हाँ ऐसा ही, आधा हो गया, एक तेरा एक मेरा। ठीक है, एक हिस्सा हो गया मतलब आधा आधा दोनों का है। उसके बाद इंडियंस के पास क्या था, उस चीज के पास, उसको सिडलिंग करने के लिए पैसा नहीं था, इरिगेशन के लिए पैसा नहीं था, वो भी तो ब्रिटिश ने दिया। ठीक है, अब उसके साथ साथ टैक्स तो बचा क्या, बिल्कुल वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होता था, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा। ठीक है, जिसने देखा होगा वो समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये वाला जो पोर्शन मिला, अब वो भी क्या है कि अब अगर क्रॉप फील्ड हो गया तो उनसे ये बोला गया, आप लैंड को ही यहाँ सबमिट कीजिए, अपना जमीन मुझे दीजिए और आप जाइए, बाय बाय, ये पूरा हिस्सा मेरा हो गया। ठीक है, क्या कहते हैं, इसी तरह से हम लोगों का देखो चलता रहा। इन द लैंडलॉर्ड्स इवन द बार्बर्स एंड द वॉशरमैन, बहुत सारे लोग, हर लोगों के साथ वैसा ही हो रहा था जो जिस फील्ड में था। ठीक है, क्या होता है, जिस तरह से देखोगे तुम कि ब्रिटिश आदमी क्या करता था, वॉशरमैन से कपड़ा धुलवा लेता था, उसको पैसा नहीं मिलता था। ठीक है, उसके साथ मतलब सब लोग अपने कंडीशन में काफी एलिनेशन फील करने लग गए थे, अलगाव महसूस करते थे। और दूसरे लोग कैसा महसूस करते थे, सामने वाले बहुत ही ज्यादा एलिनेशन फील कर रहे एक दूसरे से, अपने देश में रह के बेगानापन महसूस होने लगे। ठीक है, मेरा कोई अपना नहीं है। ठीक है, वहां पे क्या कहता है, हर लोगों के बीच ऐसा ही फीलिंग आ चुका था। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द स्वराज प्लांटेशन एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।